हेलो। हाँ, अरे नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ कर रहा हूँ सर। मैं आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो अच्छा है। परेश, चिकन लेकर आए हो ना? आप प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे? मैंने ऑलमोस्ट कर दिया, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अनु, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। चाहो तो कुछ हल्का फुल्का बना दो यार, प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। परेश, तो हेलो, कहाँ खोए हो? अच्छा मैं क्या कह रही थी, इस वीकेंड पर कहीं बाहर चले? वैसे भी कितने दिन हो गए कहीं बाहर ही नहीं गए, चलो ना प्लीज। परेश ब्रेकफास्ट तो रास्ते में कर लूंगा। एक वड़ा पाव देना।
हेलो, घर आते वक्त ना कुछ आलू और पाव लेकर आना। क्यों, भूल गए ना? भुलक्कड़, पता था मुझे। आज से 5 साल पहले जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे वड़ा पाव ही तो खिलाया था। क्या दिन था वो, सारा दिन बस उसी का ही स्वाद आ रहा था। और तुम्हारे पास ना कोई अच्छी नौकरी ना कोई घर, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी तुम। और आज देखो, आज वो सब कुछ है जो तुम चाहते थे। चलो जल्दी आ जाओ, ओके बाय। तुम आ गए, आ जाओ। परेश, क्या सामान लेकर आए हो? क्या सारा दिन खाना 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 लगा के रखा है तुमने? एक दिन खाऊंगा नहीं तो भूखा नहीं मर जाऊंगा। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी ये बना दिया वो बना दिया, नहीं खाना खाना मुझे। दिमाग खराब करके रखा। परेश, परेश खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? बोला ना नहीं खाना मुझे, खाना। परेश क्या हो गया है तुम्हें? Why are you behaving like this? Please leave me alone, please. परेश, आप इतनी जल्दी जल्दी निकल गए कि मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। कुछ मसाले की लिस्ट है, मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ, प्लीज घर आते वक्त लेकर आना। अनु, तुम खुद ही ले आना, आज लगता है लौटने में देर हो जाएगी। ठीक है बाबू, नो प्रॉब्लम, पर प्लीज घर जल्दी आ जाना, से लाइक 5 बजे तक। आज आपके लिए कुछ स्पेशल है। हाँ रवि भैया, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। अच्छा परेश आपके साथ है क्या? नहीं नहीं, मतलब हाँ सब ठीक है। हाँ ओके। जिंदगी कहाँ है तू? Why don't you give me a clue? गुम है तू मैं गुमसुम, जिंदगी just a clue। तुझे ढूंढ के मैं थक गई, अब मेरी जिंदगी ढूंढ के मैं।
सर वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू बट वी आर नॉट पिकिंग द फोन कॉल। पैसा लिया था वापस कब करोगे? आपको फोन कर रहे हैं बार बार, आप फोन उठाइए हमारा, हम लोग घर पे आएंगे आपके। पैसे कब देंगे आप वापस? आपने बोला था डबल पैसे देते नहीं हो। बट टुमारो इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर आवर अकाउंट्स वी डेफिनेटली टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। संभल के आगे मत बढ़। संभल के आसिफा, जल्दी नहीं, जब तक पहला कदम मजबूत ना हो तब तक दूसरा नहीं बढ़ाने का। जो ये कहता है कि वो टेंशन झेल नहीं पाता, वो पता है क्या कहना चाहता है? आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही टेंशन है। और आपको ऊपर वाला दे रहा है ट्रेनिंग। आपकी जिंदगी में जब कोई नई टेंशन आती है तो क्या सोचते हो आप? यही ना कि सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे से नहीं होता, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, वो साला मेरा पड़ोसी हमेशा मेरा बुरा सोचता है, फला आदमी ने ये कर दिया वो कर दिया। और वो क्या बोलते हैं कंट्री का, क्या इको इको इकोनॉमी ही खराब है, मतलब सब मेरी बैंड बजा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी तो प्रधानमंत्री जी ने भी ले रखी है। ये जो दिमाग होता है ना, बिल्कुल बंदर होता है, हमेशा भूत और भविष्य में छलांग मारता है, जरूरत से ज्यादा तेज चल रहा होता है, बस एक छलांग में सब कुछ पा लेना चाहता है। गुप्ता जी देखिए मार्केट एनालिसिस हमारा काम है, आप बेफिक्र होकर पैसे लगाइए, मेरी गारंटी है ना, अब स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए मैं दुगना पैसा करके दूंगा आपको। लेकिन जिंदगी में हर मुकाम छोटे छोटे कदम बढ़ाने से ही मिलते हैं, और कोई लिफ्ट नहीं होती कि बटन दबाया और पहुंच गए साहब टॉप फ्लोर पे। ये ऊपर वाला जब हमको आगे बढ़ाता है ना तो बीच बीच में रोक भी देता है, ये देखने के लिए कि आपके पीछे आपके रिश्ते नाते यार दोस्त प्यार करने वाले साथ में बचे भी हैं या नहीं। आज घर जाकर ना उनको दिल से धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू जरूर बोलना। आखिरी के सिर्फ 3 कदम ही बचे हैं, इनको और भी आराम से, क्योंकि बड़े बड़े राजा यही सोचकर युद्ध हार गए कि लो जी अब तो जीत गए। अरे हमारी करकट टीम कितनी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही हार जाती है, इसलिए संभल कर ध्यान ऐसा लगा जैसे शुरू किया था। क्या नाम है आपका? आसिफा। आसिफा दोस्त, शुक्रिया। ये सब क्या है परेश? दिन भर तुम्हारा फोन ऑफ, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। आप
आपको पता है ना, सुबह जब आप घर से निकलते हो तब से लेकर शाम तक मैं बस आपका इंतजार करती रहती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? एक मैसेज तो कर सकते थे। किसी कमजोर आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी? पर अब सब ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो? परेशान? रो क्यों रही हो? हाँ मेरा पनीर जल जाएगा, एक सेकंड। अरे जलने दो, बारबेक्यू पनीर नहीं खाना है, मेरा पनीर जल जाएगा, छोड़ो। हम नहीं छोड़ रहे। अरे पनीर जल जाएगा, छोड़ो, पनीर जल जाएगा मेरा। सोच रहा हूं कि रोप वॉकिंग सीख लूं। क्या? जिंदगी में छोटे छोटे कदम लेके ही तो बड़े मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। वाह जनाब, आप मोटिवेशनल स्पीकर कब बन गए? काफी दिनों से ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे मेरे मन में, और मैंने तुमसे कुछ शेयर भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि तुमसे शेयर करके क्या फायदा, तुम इसमें मेरी क्या मदद कर पाओगी। आज मैंने अपने आप को एक एक्सटेंड तक पुश कर दिया। आज मैं अपनी लाइफ को मौत तक ले गया। आई जस्ट वांटेड टू एंड इट ऑल। व्हाट? बट व्हाई? देयर इज लॉट ऑफ I know, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिंदगी के असल मायने समझ में आ गए मुझे। Shit happens. अच्छा बात बताओ, इतने दिनों में तुमने खाने पीने के अलावा मुझसे कभी कोई बात नहीं की? समझ ही कहती थी कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, क्या ये बनाया है वो खा लो ये खा लो। कभी तुम्हें लगा नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा हूँ या मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? तुम मुझसे पूछो, मेरे मन का हाल पूछो। भाई जान, ये स्पेशल प्रोग्राम भाभी जान के लिए। आपसे मैं जब भी कुछ पूछती थी आप बस मुझे यही पूछते थे, आज खाने में क्या है, खाना लगा दो, क्या बनाई हो, बस। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, पहले खाना लगाती हूँ और खाने के बारे में बात करती हूँ, और फिर इंतजार करती थी कि तुम कुछ बोलोगे। अच्छा, तुम कुछ बोलते ही नहीं थे। और तुम जो ये फोन पे भी हमेशा मुझसे मसाले मंगवाती रहती थी, उसका क्या? मसाले तो सिर्फ बहाना था, मसाले तो मैं भी ला सकती थी, पर फोन पर आपका तो ख्याल रखा जा रहा था। बाबूजी भुट्टा खाओ।